बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 8 इन 9 मैथमेटिक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 आवर एक्स क्यूब। तो क्वेश्चन में आपको एक्स क्यूब 1 आवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है। तो बताए व्हेन एक्स प्लस 1 आवर एक्स इज इक्वल टू 5/2। तो x प्लस 1 ओवर x के वैल्यू क्या गिवन है? 5/2 गिवन है यूजिंग फार्मूला। तो हम फार्मूला यूज करते हैं इसके लिए। फ्रैक्शन वैल्यू के लिए फार्मूला है x प्लस 1 ओवर x होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3 इनटू x प्लस 1 ओवर x। तो इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला याद करें। पुटिंग द वैल्यूज, हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहां पे देखिए x प्लस 1 ओवर x के वैल्यू क्या है? 5/2 होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3। और अगेन x प्लस 1 ओवर x के वैल्यू क्या है? 5/2 है। अब 5/2 होल क्यूब इसका मतलब क्या है? 5 × 5 × 5 तो 5 × 5 = 25 × 25 = 125 / 2 क्यूब। ये क्यूब 2 पे भी है। 2 × 2 = 4 × 4 = 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये अपनी जगह पे लिखे, प्लस ये 3 सिर्फ 5 के साथ मल्टीप्लाइड है, 2 के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है 3/1। सो 3 × 5 = 15 / 2। अब यहां पे देखें, हम x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पे 15/2 ये क्या है? प्लस है। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिखते यहां पे क्या? सब्ट्रैक्ट किसको? 15/2 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलता है हमारे पास? 125/8 − 15/2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 15/2 − 15/2। तो यहां पे प्लस 15 और माइनस 15 क्या होगा? ये कैंसिल होते हैं और इन दोनों का हम यहां पे एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 2 का एलसीएम क्या है? 8 इसका एलसीएम आता है, तो 8 एलसीएम हमने दिया। अब यहां पे नॉमिनेटर को हम किस तरह लिखते हैं? तो देखिए 8 को 8 के साथ कंपेयर करें, 8 8 के साथ कैंसिल होते हैं, 1 आते हैं, 1 × 125 − 8/2 क्या आते हैं? 4 × 4 = 15 = 60 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 आवर एक्स क्यूब। ये एलसीएम के 3 मेथड हैं। तो इंशाल्लाह अगर कोई टाइम मिला तो मैं आपको तीनों मेथड समझा दूंगा। ये एलसीएम के सेकंड मेथड है कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन से। तो 125 − 60 = 65/8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 आवर एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1 आवर एक्स क्यूब की वैल्यू क्या मिला आपको? 65/8 मिला।